घर बैठे निशुल्क संगीत सीखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी स्टूडेंट्स का बड़ा ही आम सवाल है कि किसी भी गीत के बीच में या गीत के स्टार्टिंग में कोई म्यूजिक कैसे बजाए। ये बड़ा ही सिंपल सा सवाल है और इसके जवाब मैं व्हाट्सएप पे दे दे के थक गया था, इसलिए मैंने सोचा आज एक वीडियो ही बना दूं इस पे, जिससे कि आप सभी तक ये सवाल का जवाब पहुंच जाए। देखिए, एक वीडियो मैंने पहले बनाया था जिसमें मैंने बताया था, आप लोग यही पूछते हैं कि भाई कोई सा भी गाना है वो कैसे बजाए। आप बोल लेते हैं फला गाना है इसके नोटेशंस मुझे दे दो, ये आरती है इसके नोटेशंस मुझे दे दो, हैप्पी बर्थडे सिखा दो, जनगण मन सिखा दो। तो ये बात हम लाखों बार बता चुके हैं कि रटना और रटाना ये संगीत प्रवाह वर्ल्ड में होता ही नहीं। हमारा जो SPW का कोर्स है वो चाहता है कि आपसे म्यूजिक डेवलप हो, है ना, और जो भी चीज आप कर रहे हैं वो खुद से निकालें। ऐसा नहीं मैं नोटेशन बता दूं कि ये ऐसे बजता और वो बजा लिया। अच्छा, चार गाने मैंने सिखा दिए, पांचवें गाने का क्या करोगे? रोज करोड़ों गाने बन रहे हैं, संगीत रोज नया बन रहा है, तो उसमें मैं कब तक सिखाता रहूंगा या कब तक आप नोटेशंस लेते रहोगे, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें कि नोटेशंस रटने से संगीत नहीं आ जाता है। देखिए, किसी को इंप्रेस करने के लिए आप वो गाना सीख रहे हैं कि भाई गाना बजा दिया, दो कॉर्ड पे गाने गा दिए तो लोग सोचेंगे वह आपको संगीत आता है। तो वो आप उसी पब्लिक को इंप्रेस कर पाएंगे जो जानती होगी, जो संगीत को नहीं जानती होगी। जो संगीत को समझते होंगे वो कहेंगे ठीक है ये तो ठीक है, अपना कुछ सुनाओ। तब क्या करेंगे आप, अपना तो आपके पास है ही नहीं कुछ, तो अपना बनाने के लिए संगीत का व्याकरण सीखें। ये सीधा सा जवाब है इसका, इतना सा जवाब है कि संगीत का व्याकरण सीखें। अब मेन इंपॉर्टेंट सवाल फिर से आ जाता है कि व्याकरण क्या होता है, जो भी हम कई बार वीडियोस में बता चुके हैं। लेकिन देखिए, प्रॉब्लम क्या होता है, संगीत प्रवाह वर्ल्ड का एक वीडियो कोई देख लिया आपने, फिर आप व्हाट्सएप पे जुड़ गए और फिर से सवाल पे सवाल करने शुरू हो गए, और फिर हम वीडियोस भी दे रहे हैं वो वीडियोस आप देखते नहीं, और बिना वीडियोस देखे फिर आप सवाल करेंगे तो उसका कोई मतलब नहीं है। देखिए, क्योंकि आपके जवाब, कईयों ने वो सवाल पूछे होंगे वही जवाब हैं, तो हमने उन पे वीडियो बना रखा है ताकि आपको वो जवाब मिल सके, है ना। तो इस चीज का ध्यान रखें कि जब तक आप वीडियोस नहीं देखेंगे आपको जवाब नहीं मिलेंगे। तो व्याकरण अगर आता है उससे क्या होगा, व्याकरण आने से दिमाग एक तरह से आपका मेमोरी कार्ड बन गया, समझ लो, है ना। आपने जो भी चीजें सीखी वो सब यहाँ स्टोर होती रहती है, और वो जब यहाँ स्टोर हो गई, अब जहां आपको यूज करनी है तो बस आपको सर्च करना है कि भाई फला चीज मैंने सर्च करी, और हाँ मैच फाउंड हो जाता है कि हाँ ये चीज है, ये यहाँ लगानी चाहिए, ये लगा दी यहाँ पे, है ना। अब इसका मतलब क्या हुआ कि आपने जब विभिन्न तालों को विभिन्न लयों में बोला होगा, लयकारी का अभ्यास होगा, हारमोनियम पर विभिन्न अलंकारों को 10 थाटों में 12 स्केल से विभिन्न तरह से बजाया होगा और विभिन्न लयों में बजाया होगा, तो हाथ में, दिमाग में सब जगह लय, सुर, ताली बैठे हुए होंगे। जब ये सब हैं तो कोई भी गीत आता है उसकी ऊंचाई नीचाई पकड़ना कि भाई वो ऊंचा जा रहा है तो भाई ऊपर ढूंढना है, नीचे जा रहा है तो कहाँ, उसका टिकाव किस सुर पर है, तो वो उसका मेन स्केल हो गया, वो उसका सा हो गया, उस चीज को पता लगाना, उस गाने में राग क्या है, है ना, उस अनुसार ही उसके म्यूजिक निकलता है। या फिर उस गाने का कई बार क्या होता है, गानों में राग पर्टिकुलर होती भी नहीं है, है ना। आजकल के जो गाने हैं या फिर कुछ जो फोक सॉन्ग्स होते हैं या कुछ ऐसे भजन सूफी गीत, उनमें रागे नहीं देखी जाती, उनमें सिर्फ मेलोडी देखी जाती है, तो राग के साथ थोड़ी सी छेड़छाड़ करके मधुरता लाने के लिए वो कुछ अलग धुन निकाल लेते हैं, है ना। जैसे यूपी का अलग एक माहौल होता है, है ना, उत्तर प्रदेश का म्यूजिक एक अलग ही होता है जो लोकल म्यूजिक है, पंजाब का लोकल म्यूजिक अलग होता है, बंगाल का लोकल म्यूजिक अलग है, आसाम, उड़ीसा, इन सबका लोकल म्यूजिक सबका अलग है, हमारे राजस्थान का म्यूजिक अलग है, है ना। यहाँ पे जैसे आपने केसरिया बालम सुना होगा, तो वो एक सब कहते हैं मांड राग में है, लेकिन मांड एक गायकी भी होती है, मांड एक टाइप का राग भी है, और मांड सिर्फ एक राग नहीं है, मांड के कई प्रकार हैं, है ना। तो ये वो स्वर हैं, ये वो फील है, ये वो स्वर संगतियां हैं जिनसे एक पर्टिकुलर फील निकलता है, तो उस स्वर में, उन फील्स में हम बजा लेते हैं कुछ भी, तो उसका कोई राग का नाम नहीं है, है ना।
और उसमें म्यूजिक बजाने के लिए पर्टिकुलर बीच में एक तो आपको स्वर लय ताल आनी चाहिए कि भाई जिस लय में वो गीत चल रहा है उसी लय में आपका वो म्यूजिक भी बनेगा, है ना। जैसे फला एग्जांपल ले लेते हैं, केसरिया वालम आप एक सुनाइए कोई लाइन, उस पर मैं कोई म्यूजिक बजाता हूँ, है ना, सीधा रिदम रिदम वाले पार्ट से शुरू। दादरा के लहजे में गा रहे हैं, है ना, और स्वर भी मैंने देख लिए कि है ना, इस प्रकार के स्वर लग रहे हैं। तो मेरे को दादरा का लहजा लेते हुए इन्हीं स्वरों में कुछ भी उसी राग में, है ना, उसी स्वरूप में उन्हीं स्वरों के कुछ ना कुछ बजाना है। जैसे के उसी लाइन पर लाना है, या फिर उसी लाइन पर लाना है, या फिर जहां से अपना अंतरा शुरू हो रहा है वहां पर लाना है। जैसे अंतरे का जो कंपोजिशन होती है वो चढ़ते हुए ढंग में होती है, है ना, अंतरा ज्यादातर मध्य से तार की तरफ जाता है, तो उस अंदाज में मेरे को स्वरों को लाके उसी जगह एंड करना है जहां से मेरा अंतरा शुरू हो रहा है, है ना। तो इस प्रकार की चीजें ध्यान रखनी है छोटी मोटी, कि व्याकरण सीखने के बाद फिर आपके दिमाग में कोई होता नहीं है कि मेरे को इसका गाने का म्यूजिक बनाना है या क्या, है ना। एक तो होता है कि ऑन द स्पॉट जो म्यूजिक बन रहा है, और एक है कि आप डिसाइड करके म्यूजिक बना रहे हैं गाने का। जैसे फिल्मी गीत जो हैं सारे जो आजकल के रिकॉर्डेड हैं या ओल्ड सॉन्ग्स भी हैं, उनमें वो तय किया गया म्यूजिक है कि भाई यहाँ पे इतना ही बजेगा, यहाँ इतना ही बजेगा। गाने की जो लिमिट है, टाइम लिमिट है, उसको ध्यान में रखते हुए, और सिंगर का जो सॉन्ग है वो ना दब जाए, उतना ही म्यूजिक रखना है, नहीं तो गाने में म्यूजिक ही म्यूजिक हो गया, गाने का कुछ आता पता ही नहीं है, लिरिक्स ही नहीं पते हैं, है ना, और इंस्ट्रूमेंट्स हावी हो गए तो वो भी होता है। और फिल्म का जो सीन चल रहा है उस पर भी डिपेंड है कि भाई यहाँ पे ये सीन जाके फिर गायक शुरू होगा। अभी जैसे दो तीन दिन पहले ही मेरा एक कोई स्टूडेंट है, उन्होंने मुझसे ये सवाल किया कि गाना कोई भी होता है वो म्यूजिक से स्टार्ट होता है या फिर गाने के स्टार्ट होने के बाद म्यूजिक बजता है। तो भाई मैंने उनको यही एग्जाम्पल दिया कि अगर आप खुद बना रहे हो तो उस पर कोई फिक्स नहीं है कि म्यूजिक से स्टार्ट हो रहा है, या आपकी मर्जी पड़े जैसा आपको अच्छा लग रहा है साउंड वैसा कर दीजिए। और एक होता है फिल्म का सीन, मान लीजिए कोई फिल्म का सीन है, किसी को किडनैप करके ले जा रहे हैं कार में, ठीक है, तो जब किडनैप हो रहा है तब जो पीछे बैकग्राउंड म्यूजिक चल रहा है एकदम व्याकुलता वाला म्यूजिक चल रहा है, कुछ ऐसी करके कुछ रिदम चल रही है, फिर जैसे ही उनको गाड़ी से फेंका अचानक से साइलेंट, फिर कोई लंबी सी धुन बजी, तो ये गाने से स्टार्ट होने से पहले का म्यूजिक है, फिर वो खड़ा हुआ और वो अपना कुछ गीत गा रहा है, है ना, तो वहां से लिरिक्स स्टार्ट हो गई। तो कोई फिक्स नहीं है कि आपका म्यूजिक पहले आता है या आपका लिरिक्स, है ना, वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है। यहाँ ध्यान देने वाली बात है, कंपोजिशन भी सिचुएशन को देखते हुए ही होती है, गाने का म्यूजिक भी सिचुएशन को ही देखते हुए होता है। अब फिल्मी गीतों में जो म्यूजिक दिया जाता था, कई बार तो ऐसा है कि कोई सिचुएशन नहीं है तो उसी से रिलेटेड कोई भी म्यूजिक दे दिया, लेकिन कोई सिचुएशन है और वो म्यूजिक देना है। जैसे अचानक एक और फिल्म का ही एग्जाम्पल देता हूँ मैं, कि कोई सीन चल रहा है फॉर एग्जाम्पल कि बातें चल रही है और अच्छे गाने चल रहे हैं समझ लीजिए, और अचानक से सीन चेंज होता है कि कोई गुंडे आ रहे हैं और आपको उठा के ले जा रहे हैं, तो वहां म्यूजिक पलट जाएगा कि नहीं, अचानक आपके वो स्वर भी बदल जाएंगे, म्यूजिक के रिदम भी बदल जाएगी। तो ये तो सवाल मेरे हिसाब से अब क्लियर हो गया होगा कि कोई भी गाने का म्यूजिक कैसे बनाया जाता है या कैसे दिया जाता है, सिचुएशन पर डिपेंड है कि सिचुएशन कैसी जा रही है, आपको किस प्रकार की सिचुएशन देनी है। तो व्याकरण सीखना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इस चीज को गांठ बांध लीजिए, उसके अलावा और कोई उपाय नहीं है, और बिना अभ्यास के। देखिए जल्दबाजी होती ही नहीं है संगीत में। अब मेरे को कोई कह रहा है कि मुझे इतना डीप क्लासिकल नहीं सीखना है, तो मैंने उसको बोला भैया क्लासिकल तो डीप ही होता है, क्लासिकल में ऊपर से कुछ सीखा ही नहीं जाता। आप क्या समझते हैं क्लासिकल में आप दो तीन रागे रट लेंगे, अलंकार रट लेंगे तो संगीत आ गया? ऐसा नहीं होता है ना, अपने को पूरा डीप समझना होता है कि अलंकार क्या है, थाट क्या है, बेसिक स्केल्स क्या है, है ना, और कैसे कैसे स्वरों में घुमा जाता है, ताल लय, ये जब तक नहीं आया, अगर ये आ जाता है ना तो समझ लीजिए आपको संगीत आ गया, है ना, और कुछ बचता ही नहीं, बस इम्प्रोवाइजेशन है फिर तो। और इम्प्रोवाइजेशन ये सब आने के बाद और बेटर हो जाता है आपका। इम्प्रोवाइज तो आप अभी भी कर सकते हैं, उसमें कोई कमी नहीं है। आपको कोई मैं स्वर दूं और बोलूं कि इसमें पैटर्न बदल लें, सारे गमा पद नहीं सा, मैंने बोला इसको बदलो, तो मैथमेटिकल वे से जाओ 1 2 3 4 5 6 7 8, मैं बोलूं 7 5 6 8 4 1 2 3, तो ऐसे लग जाएंगे, लेकिन वो इम्प्रोवाइजेशन हुआ, लेकिन वो राग के अकॉर्डिंग, स्वरूप के अकॉर्डिंग हो तो मजा ही कुछ और है उसका, है ना।
तो बस जुड़े रहिए संगीत प्रभा वर्ल्ड से ऐसे ही, ताकि हम आपको ऐसे ही नए नए वीडियोस देते रहें। आप ही लोगों के सवाल हैं जिन पर हम वीडियोस बना देते हैं और आप तक पहुंचाते हैं, ठीक है। और आप लोग देखेंगे इन वीडियोस को तो समझेंगे। आप बिल्कुल भी ये दिमाग से निकाल दीजिए कि वीडियोस को हम बार बार आपको कहते हैं वीडियो देखो, इसका मतलब ये नहीं कि इस वीडियो देखने से हमको फायदा हो रहा है इसलिए हम दिखा रहे हैं ना। आप लोगों को हम सिखाना चाहते हैं इसीलिए हम ये कंटेंट बनाते हैं। जिन लोगों को ये लगता है कि हम वीडियो से कमा रहे हैं इसीलिए हम वीडियो दिखा रहे हैं, तो ठीक है आप मत देखिए, हम ऐसा आपको फोर्स नहीं करेंगे। लेकिन जो हमारे सच्चे स्टूडेंट्स हैं और जो चाह रहे हैं आंसर, तो इंडिविजुअली हर एक को हम लोग नहीं दे सकते आंसर, इसीलिए वीडियो बनाते हैं। लेकिन इस चीज तक कोई पहुंचता नहीं है, सोच तक सब यही सोचते हैं कि भाई ठीक है इतना ही है, ठीक है। तो वो सारी बातें तो खैर बाद की हैं, दूसरी हैं, उनसे कोई लेना देना नहीं अभी यहाँ के टॉपिक से। तो आपको बस ये ध्यान रखना है, व्याकरण सीखें, स्वरांगिनी द म्यूजिक बुक ऑफ संगीत प्रभा वर्ल्ड उसका जो कोर्स है, जो सिलेबस उसमें दे रखा है, उस अकॉर्डिंग अगर सीख लिया तो आपको स्टेप बाय स्टेप सब नक्शा क्लियर होगा। वरना जो भी आप, मैं दूसरों की बुराइयां नहीं कर रहा, लेकिन दूसरों के जो सिलेबस है वो आपको एक कंफ्यूजन में डाल देते हैं, आपको कोई एक सिस्टमैटिक वे नहीं मिलता। सिस्टमैटिक वे दिया है SPW की किताब ने, जो कि पंडित अवध किशोर पांडे हमारे मेरे पिताजी हैं, वो इस चीज़ को उनको श्रेय जाता है इस किताब को बनाने का और ये सिलेबस का निर्माण करने का। तो जुड़े रहें, व्हाट्सएप नंबर आपकी स्क्रीन पर है, मैसेज कीजिए अपना नाम और आप कहाँ से हैं। ये किताब अगर आपको चाहिए तो भी मैसेज कर दीजिए, संगीत सीखना चाहते हैं मैसेज कर दीजिए, कोई भी विषय संगीत में मैसेज कर दीजिए, ठीक है। और सब्सक्राइब कीजिए इस चैनल को, लाइक कमेंट शेयर कीजिए इस वीडियो को, ताकि ये ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचे और लोगों के मन में जो डाउट्स हैं वो क्लियर होते रहे, ठीक है। तो एंड करते हैं हम इस वीडियो में कुछ छोटा सा कुछ बजा के, जैसे कि शुरुआत भी करी थी और उसी में कुछ इम्प्रोवाइज करेंगे, ठीक है। तो धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। Thank you.